गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की बुक से पाठ 4 शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। तो चलिए आप अपनी बुक ओपन करिए, शब्द और वाक्य पेज नंबर 27 ओपन कर लिया आपने। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, पाठ 1 में भाषा और पाठ 2 में वर्ण विचार, फिर पाठ 3 में हम लोग ने मात्राओं के बारे में जाना था, और अब हम लोग सीखेंगे शब्द और वाक्य। बच्चों, आपको तो पता ही है ना कि शब्द कैसे बनता है। जब आप KG 2 में थे तो आपसे पूछती थी ना मैं कि शब्द रचना क्या होती है, तो आप लोग बोलते थे ना अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना, है ना। आप लोग करते थे ना शब्द रचना, अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाते थे ना, तो वही जो अक्षर होते हैं उन्हीं को जोड़ करके शब्द बनाए जाते हैं। अब इधर देखिए पिक्चर में घर बना हुआ है ना, घर, और इधर एक फूल है कमल का, तो इसको देखिए घर को कितने इसमें अक्षर हैं बताइए, घ प्लस र, दो अक्षर हैं। अब दो अक्षरों को जोड़ करके हमने शब्द बनाया घर, घर। कमल में कितने अक्षर हैं, क म ल, तीन अक्षर, है ना। तो तीन अक्षरों से मिलकर कमल बना, शब्द बना, है ना। तो बच्चों, इससे हमको क्या पता चलता है कि अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाए जाते हैं। लेकिन ये शब्द जो है बच्चों, वो सार्थक होने चाहिए, इनका कोई अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे नहीं है जैसे आप इसका उल्टा कर दीजिए, आप रघ, रघ, तो रघ का कुछ मतलब है, कुछ अर्थ निकल रहा है, नहीं ना, तो ये निरर्थक शब्द हो जाएगा, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। अब कमल को भी आप उल्टा कर दीजिए, लमक, लमक, लमक क्या होता है, कुछ होता है क्या, नहीं ना, तो ये भी निरर्थक शब्द हो गया। तो जो शब्द बनेगा उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि वर्णों के मतलब अक्षरों के, वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनता है, है ना। तो आपको समझ में आ गया ना कि शब्द किसे कहते हैं, अक्षरों के मेल से बने सार्थक शब्दों को ही शब्द कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इधर देखिए नीचे लिखा है ना, शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक, जैसे कि जिसका कोई अर्थ निकले, और निरर्थक। निरर्थक तो वो होते हैं ना जिसका कोई अर्थ ही ना हो। तो चलिए पेज टर्न करिए, अब यहाँ पे पढ़िए सार्थक शब्द। सार्थक शब्द तो वही होंगे जिनका कुछ अर्थ होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है सही अर्थ बताने वाले शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं, इनका कोई अर्थ होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से सार्थक शब्द हैं, एक तो बादल है, देखिए बादल भी देखिए अक्षरों से मिलकर बना है ना, बा प्लस द प्लस ल, बादल, है ना, तीन अक्षरों से मिलकर ये शब्द बना, इसका तो अर्थ निकल रहा ना, तो ये सार्थक शब्द है बादल। अब इधर देखिए मे, मा पर एक ही मात्रा प्लस ज, मेज, तो ये भी एक सार्थक शब्द है, दो अक्षरों से मिलकर के बनी हुई है। फिर इधर क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है बच्चों, ये है बरतन। अब यहाँ पे तो चार अक्षरों को मिलाया गया है, बरतन, बर्तन, ये भी सार्थक शब्द हो गया। फिर नीचे देखिए मटर, मटर, रथ, रथ, और हाथी, हा प्लस थी, हाथी, ये भी दो अक्षरों से मिलकर बना है। अब नीचे देखिए माला और किसान, काफी छोटी की मात्रा है तो हम कैसे बोलेंगे किसान, और ये सैनिक, तो ये सब सार्थक हैं शब्द, सार्थक शब्द हैं, है ना। अब निरर्थक शब्द चलिए देखिए क्या है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पढ़िए इधर रस, स, रसस, रसस क्या होता है, लकश, लकश, कड़ीम, इनका कोई अर्थ नहीं है ना, तो ये निरर्थक शब्द है, है ना। तो बच्चों इसका कोई अध्ययन नहीं किया जाता है, इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं जिसका कोई अर्थ ही ना हो,
तो आपको अब समझ में आया कि वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं और वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और शब्द दो प्रकार के हुए ना, एक सार्थक और निरर्थक। अब इधर देखिए वाक्य, वाक्य कैसे बनता है ये भी आपको पता है। वाक्य हम लोग बनाते थे ना शब्द, जैसे कि अक्षरों के मेल से शब्द बन गया, उसी तरह शब्दों को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वाक्य, एक सेंटेंस बनेगा, है ना। याद आया आपको कुछ, मैं ब्लैक बोर्ड पर आपको सिखाती थी कि ये देखिए अक्षरों से हमने शब्द बनाया, अब शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाएंगे, सेंटेंस। इंग्लिश में शब्द को वर्ड कहते हैं और वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। तो हम लोग वाक्य भी पढ़ लेते हैं कि वाक्य कैसे बनता है। वाक्य जैसे कि अक्षरों को जोड़कर आपने शब्द बनाया, उसी तरह शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाएंगे। तो इधर देखिए, यहाँ पर लिखा है वाक्य। अब वाक्य में क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखा है जैसे मेरा है नाम जतिन, तो ये तो गलत लिख दिया है ना, मेरा है नाम जतिन, ये सही से नहीं लिखा हुआ है। इसको जब सही से कैसे लिखेंगे, मेरा नाम जतिन है, है ना, मेरा नाम जतिन है। अब ये सही क्रम में हुआ ना, तो क्या बोलेंगे, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। अब इधर देखिए कौन कौन से वाक्य बने हैं, इधर देखिए वाक्य बनाने का तरीका। अब यहाँ पर देखिए मछली प्लस जल प्लस की प्लस रानी है, अब मछली जल की रानी है, ये सही वाक्य बना है। अब अगर हम ऐसे लिख देते कि जल प्लस मछली प्लस रानी प्लस की है, उल्टा हो जाता ना, जल मछली की है रानी, ये कोई सही वाक्य बना नहीं ना। तो मछली जल की रानी है, ये एक सही वाक्य बना। तो वाक्य इसी तरह और भी वाक्य हैं, रमा पत्र लिखती है, ये भी सही है, और बच्चा सोता है, ये भी सही वाक्य है। फिर इधर देखिए बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं ना, ये भी सही वाक्य हो गया। अब देखिए जो ये वाक्य बना है इसमें कितने शब्द हैं, पहले आप ये भी तो देखिए, मछली जल की रानी है, इसमें देखिए कितने शब्द हैं, कितने शब्दों को जोड़ करके ये वाक्य बना है, मछली जल की रानी है, 1 2 3 4 5, पांच शब्द मिले हैं ना, तब एक वाक्य बना है, है ना। तो पांच शब्दों से मिलकर के ये एक वाक्य बना। और बच्चों वाक्य जब कंप्लीट हो जाता है, ये हमेशा मैंने आपको बताया है कि जब वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो पूर्ण विराम लगाते हैं, है ना, ये हमेशा याद रखिए। जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, इंग्लिश में फुल स्टॉप और हिंदी में पूर्ण विराम लगा देते हैं। तो इसी तरह देखिए कि जो जितने भी वाक्य बने हैं, रमा पत्र लिखती है, इसमें कितने शब्दों से मिलकर बना है, बच्चा सोता है, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, रमण दौड़ रहा है, देखिए रमण दौड़ रहा में है चार शब्द हैं, चार शब्दों से मिलकर ये वाक्य बना है, राहुल पतंग उड़ा रहा है, बंदर पेड़ पर उछल रहा है, है ना, बंदर पेड़ पर उछल रहा है, इसमें ज़्यादा वाक्य शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं ना बच्चों, बंदर पेड़ पर उछल रहा है। तो बच्चों आपको शब्द और वाक्य समझ में आ गए ना। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम देख लेते हैं, अभ्यास कार्य, पेज नंबर 30, अभ्यास कार्य देखिए, इसमें आपको सही और गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ पर लिखा है क में, पेज नंबर 13 ओपन करिए, आप पेंसिल भी ले लीजिए, तुरंत टिक कर लीजिएगा। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क, अटपटे वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, तो ये क्या सही है, अटपटे मतलब जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता, अटपटे वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, तो ये सही है नहीं ना, तो यहाँ पे गलत का साइन बनाएंगे। वाक्यों का निर्माण शब्दों के मेल से होता है, ये तो सही है, शब्दों का एक निश्चित अर्थ होना जरूरी है, ये सही है ना,
शब्दों का एक निश्चित अर्थ होना चाहिए, जिसका अर्थ नहीं होगा तो वो शब्द नहीं होगा, ये भी सही। वाक्यों द्वारा हम बातचीत नहीं कर सकते, ये क्या ऐसा होता है, वाक्यों द्वारा हम बातचीत नहीं कर सकते, गलत, ये गलत है। शब्दों का सही मेल ही सार्थक वाक्य बनाता है, बिल्कुल सही, सही का साइन बनाएंगे, ओके। अब चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 में है नंबर 2, निम्नलिखित में से जो सार्थक शब्द हैं उन पर गोला बनाइए, है ना, जो सार्थक शब्द हैं आप उन पर गोला बनाएंगे। पेज नंबर 31, पेंसिल आपने ली हुई है ना, तो चलिए क में देखिए, क में कौन सार्थक शब्द है, कम, बब, चम, मगर, तो इसमें दो है ना, तो कम और दूसरा मगर, इस पे गोला बनाइए आप। ख में खबर, सगम, लबी, तैरना, तो यहाँ पर आपको कौन सा लग रहा है, एक तो खबर और दूसरा तैरना, इस पे गोला करिए। अब इसमें यहाँ पर आपको चित्रों को देख करके नाम लिख देना है, जैसे ये देखिए गलत लिखे ना उल्टे सीधे ढंग से, तो आपको इनको सही क्रम में लगा करके एक सार्थक शब्द बनाना है ना, ये उल्टे लिखे हुए हैं, रीअरेंज द लेटर्स, जैसे आप इंग्लिश में करते थे ना रीअरेंज द लेटर्स, उसमें ऐसे भी उल्टा लिखा रहता था, जैसे कि TAP टैप होता है तो लिखा रहता था ना ATP, तो आप उसको सही करते थे ना TAP टैप, तो इसी तरह बच्चों हिंदी में भी देखें ल प्लस ढो प्लस का, तो आपको इसको सही कर देना है ढोलक, अब इसको भी सही करेंगे आप, ये खुद से करेंगे, ओके। अब यहाँ पर भी नीचे देखिए नंबर 4 पे दिए गए शब्दों को सही क्रम में जोड़कर शब्द बनाइए, तो आपको इसको सही क्रम में लगाना है, जैसे लिखा है होती वर्षा, तो ये तो सही तरीके से नहीं वाक्य बना है, शब्दों को क्रम में लगाइए, वर्षा होती है, फिर इसके बाद आप पूर्ण विराम लगा देंगे, ठीक है। माँ खाना बनाती है, चिड़िया दाना चुगती है, तो और ये वाला पुलिस को देखकर चोर भाग गया, है ना, पुलिस को देखकर चोर भाग, बच्चों ये आप कर चुके हैं है ना बुक में, फिर भी एक बार कर लीजिएगा ये जिन्होंने नहीं किया है, ओके बच्चों।